सहारा डेजर्ट, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये डेजर्ट, ये रेगिस्तान अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे दुनिया का है, जहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान और सबसे गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान ही है। जी हाँ, दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। जी हाँ, सहारा रेगिस्तान अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के अटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है। और सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ पे बारिश नाम मात्र ही होती है या फिर ना के बराबर ही बारिश होती है, और अगर बारिश हो भी जाती है तो यहाँ की बारिश जब उस रेगिस्तान पे गिरती है तो वो बाष्प में बदल जाती है। जी हाँ, इतनी गर्मी वहाँ पे पैदा होती है। सहारा डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पर पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सन 2006 में सहारा मरुस्थल में अल्का पिंडों की खोज की गई थी, जो सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आया करते हैं। सो हेलो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। सो आज के इस वीडियो में इसकी हिस्ट्री से लेकर वो सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो वाकई आपके दिल दहला देने वाले होंगे। तो चलिए, इसके लिए हमें चलना होगा अफ्रीका के महाद्वीप में, जहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान छुपा हुआ है। अगर इस इतिहास के बारे में, अगर हम सहारा मरुस्थल इस रेगिस्तान के इतिहास के बारे में जाने, तो इस इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल दिया। सहारा मरुस्थल में अफ्रोवेंटर जोबेरिया और आउनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म में भी पाए गए हैं। सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। जी हाँ, और सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना ज्यादा है। एक और खास बात जो कि शायद ही कोई चमत्कार जैसा ही है, जी हाँ, सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। और सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% थल भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। 19 दिसंबर साल 2016 को सहारा में 37 साल बाद बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1979 में ऐसा देखने को मिला था। सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं।
इस रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु चाड में माउंट कुसी नामक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है और सहारा मरुस्थल में 12,000 से भी अधिक ऊंटों का कारवा व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नील की नीली आंख है। यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आंख की तरह देख नहीं पाती, परंतु बिल्कुल इंसानी आंख के समान ही दिखाई देती है। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य यहीं दफन हो चुके हैं। सहारा मरुस्थल 13 दिसंबर 1922 को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है और इस दिन सहारा डेजर्ट का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा तापमान एक ही दिन में बना था, जो कि एक रिकॉर्ड कायम किया। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।